दन्ते निधायति नकम् पदयोर् निपत्तो काकुशत एतदहं बब्रमि हे साधवो सकलमेव बुहायुधुरा चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। सिसिल भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं जे शिल सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर महाशय सब कुछ हमको हम लोगों को दे के गए। शिल सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जो कुछ भजन का है सारे मसला सारे दे के गए, कुछ कमी नहीं है। सब इससे भी इतना ही है, हम लोगों को बैठ के इस विषय पर चर्चा करना है, चिंतन करना है। सब कुछ श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी ने सारे गौड़ीय मठ का जो कुछ भी है सारे देखे गए। गौड़ीय मठ का मतलब ही है, गौड़ीय मठ बोलने से ही तुरंत आ जाएगा श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर और इसका साथ साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती घोष प्रभुपाद, इन दोनों का। गुरुवर्ग बोलते थे जो प्रभुपाद का सिद्धांत तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का सिद्धांतों को छोड़ दोगे तो गौड़ीय मठ गौड़ीय मठ नहीं रहेगा। गौड़ीय मठ का स्पेशलिटी है, गौड़ीय मठ का एक विशेष है। गौड़ीय मठ बाजार का कोई संस्था, धर्मीय संस्था, किसी व्यक्ति का कोई सिद्धांत हो इसी का साथ कोई गौड़ीय मठ कभी भी समझौता नहीं करता। गौड़ीय मठ कभी किसी का साथ समझौता नहीं करता। समझौता जहां है तहां शुद्ध भक्ति नहीं है। गौड़ीय मठ का जो स्पेशलिटी है, हर वक्त स्पेशलिटी जो है इसको कायम रखना है। गौड़ीय मठ का स्पेशलिटी अगर टूट जाए, हमारा व्यवहार के कारण, तो बहुत मुश्किल। गौड़ीय मठ में एक जो गौड़ीय मठ में जो झाड़ू लगाने वाले जो है ब्रह्मचारी, वो भी प्रचारक है। गौड़ीय मठ में झाड़ू लगाने वाले जो ब्रह्मचारी है वो भी प्रचारक है। ये सब बात हर आदमी का समझ में नहीं आएगा, दिमाग में उतारेगा नहीं। गौड़ीय मठ में जो झाड़ू लगाते हैं सेवा, वो भी हमसे बड़े हैं, बहुत बड़े। वो बड़ा प्रचारक है। कैसा प्रचारक है? भले महाराज वो तो प्रचार में नहीं जाता और तुम्हारा नजर से प्रचार में नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रचारक है। कैसे प्रचारक है? वो पैसिव प्रचारक है, एक्टिव प्रचारक नहीं है तुम्हारा हिसाब से। लेकिन वो जो जब गौड़ीय मठ में कोई, गौड़ीय मठ किस लिए खुला है? हमारा ये गौड़ीय मठ खुलने का क्या जरूरत था? गौड़ीय मठ जो प्रभुपाद 64 गौड़ीय मठ स्थापन किए पृथ्वी के ऊपर, और कोई आदमी बोले प्रभुपाद आप तो 64 मठ स्थापन किए, इतना जल्दी जल्दी इतना सारे मठ स्थापन हो गया। प्रभुपाद बोला आप तो क्या बोल रहे हैं, आप हमको समझ में नहीं आ रहा। 64 मठ क्या बात है? हमारा हर व्यक्ति का हृदय में गौड़ीय मठ स्थापन करने का इच्छा था, लेकिन हुआ नहीं। हर व्यक्ति का हृदय में गौड़ीय मठ लाओ। जब तक गौड़ीय मठ ना आए, गौड़ीय मठ हर व्यक्ति के हृदय में गौड़ीय मठ स्थापन करो, नहीं तो कोई समस्या समाधान नहीं होगा। हर व्यक्ति के हृदय में प्रवचन के द्वारा, चरित्र अपना चरित्र के द्वारा, अपना स्वभाव के द्वारा, अपना सिद्धांतों के द्वारा, अपना आचरण के द्वारा स्थापन करो। हर जीवों का अंदर में, जितना सारे आदमी है सबका अंदर में गौड़ीय मठ स्थापन करो। गौड़ीय मठ का क्या स्पेशलिटी है सब समझ में नहीं आ रहा है किसी का, उटपटांग चल रहा है। ये गौड़ीय मठ जो स्थापन हुआ है, ये सारे तमाम दुनिया को कीपा करने के लिए, सिर्फ कीपा नहीं, जो बात करोड़ों जन्म में किसी का दिमाग में नहीं आया वो शुद्ध भक्ति का बात। जगत में बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, धर्मीय संस्था बहुत सारे स्थापन हो गया और होगा भी,
इसका लिए हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन गौड़ीय मठ में जो शुद्ध भक्ति का विचार है, ये अनंत काल के इतिहास में एक स्पेक्टेकुलर बहुत आश्चर्य चीज है। लेकिन गौड़ीय मठ में वास्तव आश्रय ले तो इसी बात का पता चले, आश्रय ना ले तो बाहर बाहर में कुछ नहीं होगा। गौड़ीय मठ को स्पर्श कर करे, जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे बूढ़ी छुआ, जानते हो, चोर चोर खेलते खेलते बस इसको स्पर्श कर दिया बस, अब ऐसा है, ऐसा करने से होगा नहीं। गौड़ीय मठ का जो स्पेशलिटी है वो क्या, सिद्धांतों का स्पेशलिटी, सेवा का स्पेशलिटी, इस बारे में ध्यान दिया करो सब, नहीं तो होगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। काल तक श्रील प्रहलाद महाराज जी का चरित्रों का बारे में बताया, गौड़ीय मठ का बहुत सारे बात है। प्रहलाद महाराज बड़ा प्रचारक है, प्रचारक किसको बोलता है, प्रभुपाद इसका व्याख्या की, जो व्यक्ति जो साधु श्री चैतन्य महाप्रभु का आदर्श में प्रतिष्ठा हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, वही है प्रचारक। वो झंडा लेके गया अमेरिका रसिया, कुछ नहीं होने वाला, तुमसे एक भी जीव का उद्धार नहीं हो पाएगा, एक जीव, और तुम खुद को भी उद्धार नहीं कर पाओगे। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का आचार आदर्श में कोई प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक वो प्रचारक नहीं बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदर्श में प्रतिष्ठित हो जाए तो यही सबसे बड़ा प्रचारक। रूप सनातन कहाँ गया, दुनिया भर में रूप सनातन का नाम चला गया, इतना बड़ा प्रचारक हो गया, कहीं नहीं गया। यहाँ तक कि जीव गोस्वामी पाद को बादशाह बुलाया, अकबर बादशाह थोड़ा आओ एक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करे, गोसाई जी बोला हम जाता नहीं, ब्रज की बाहर हम जाता नहीं, जाते नहीं हम। बोलो आपको तो कृपा करके आना ही पड़ेगा, एक सिद्धांतों का चर्चा, गंगा है, गंगा बड़ा है कि जमुना बड़ा है, इस बारे में आओ, झगड़ा लग गया बड़ा, आओ आपकी चर्चा करके जाओ। अंतिम में गोसाई जी को बोले ठीक है आपको तुरंत एकदम लाके चर्चा करके फिर वृंदावन में आपको भेज देंगे तुरंत, और एक रात भी रहना नहीं है, ऐसा करके बहुत सारे बात है समाधान करके जीव गोस्वाई पास आए एकदम घोड़े गाड़ी में एकदम सुपर फास्ट, और गए विचार करके सभा में फिर आगे। गोसाई जी बोले जमुना का, जमुना जी का साथ किसी का तुलना मत करो, क्योंकि जमुना तुलना का विषय नहीं है। जमुना जमुना गंगा बड़ो क्या बात है, जमुना जी जो है ये वृंदावन का संपत्ति है। जब भी गंगा जी कोई साधारण नहीं है, चैतन्य चरितामृत तो विचार करो उसमें देखोगे, सार्वभौम भट्टाचार्य आर विद्या वाचस्पति, सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति दो भाई है एक दूसरे का। विद्या वाचस्पति रहते हैं नवद्वीप में, हाँ सार्वभौम भट्टाचार्य को लेके गया पुरी का राजा, आपका माफिक विद्वान मेरा राजा राज्य में रहे तो अच्छा, जगन्नाथ क्षेत्रों में लेके गया। रथ यात्रा का बाद सब लोग जब जा रहे हैं तब महाप्रभु ये बात को खोला, सार्वभौमो तुम दारू ब्रह्मो का सेवा करो, ये जगन्नाथ जी का, आ तुम्हारा भाई जो विद्या वाचस्पति है वो जो गंगा जी है ये है, ये भी ब्रह्म है, जल ब्रह्म अरे दारू ब्रह्म दोनों ही, इसका सेवा ये करे ये भाई, इसका सेवा ये करे। तो इससे पता चलता है कि दारू ब्रह्म साक्षात दारू ब्रह्म गंगा जी, गंगा जी साक्षात दारू ब्रह्म है। कई किलोमीटर का अंदर कोई गंगा गंगा बोल के शरीर छोड़ा, बस उसका मुक्ति गंगा, फिर गंगा नाम लेते हुए, इतना महिमा है गंगा जी का। लेकिन गोसाई जी बोले जमुना का साथ किसी का तुलना मत करो, कि जमुना साक्षात कृष्ण का पाटरानी है, इसका तो ये क्यों बेकार तुलना करो, लड़ाई करने का कोई बात ही नहीं, ये तो अंदर का बात है। और गंगा जी प्रकट भये दुनिया में त्रिभुवन को पवित्र करते करते
अब इस जगत में आए, त्रिभुवन पवित्र किया, पाताले भोगवती है, अलकानंदा, अलकानंदा नाम है गंगा, अलकानंदा नाम है स्वर्ग, मत्व पाताल, तीनों भुवन को पवित्र करते करते गंगा जी आए। जब भी गंगा जी का महिमा कम नहीं, क्योंकि साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन रास किया। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन रास कहाँ किया? नवद्वीप गंगा का किनारे। अनंत काल का इतिहास में अगर किसी का सौभाग्य है तो ये सब समझ में आता है। चैतन्य महाप्रभु भी रास किए, संकीर्तन रास गंगा का किनारे। अब भगवान श्री कृष्ण का रास भये वृंदावन में यमुना पुले, दोनों में कोई कम नहीं। जो भी है, आज एक महापुरुष का तिरुभाव तिथि है, इसका बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि महाराज जी का जो विमल चरित्र, इस बारे में कुछ पता नहीं चले तो हमारा भजन बेकार हो जाएगा। चले महाराज जी का क्या महिमा है। श्रील वामनदेव गोस्वामी महाराज का जीवन चरित्र पूरा के पूरा पाठ करना है, पूरा के पूरा, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चर्चा करके छोड़ दे, पूरा के पूरा महाराज जी का जीवन चरित्र पाठ करना है। छोटे उम्र में आ गए थे, छोटे संतोष प्रभु, वर्तमान बांग्लादेश नाम है, अभी तो पहले तो इंडिया ही था भारत। महाराज जी प्रभुपाद का पास आए और प्रभुपाद का पास रहे, सेवा किए। प्रभुपाद जी बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, ऐसा हम सुने हैं। प्रभुपाद जी जाड़े का मौसम, जो ठंडी का मौसम है, जब बागान में बैठ के पहलदार ऐसा ऐसा माला करते थे। वामनदेव छोटे उम्र, छोटा उम्र है, अब वामनदेव जी क्या करते थे, बागान से हरा मटर है ना, हरा मटर जानते हो, कराई छोटी इसको बोलते हैं, हरा मटर, इसको लेके छिलका छरा के पोपात का हाथ में देते थे, पोपात हरी शरण खाते थे, नाम खाते थे, इतना प्यार करते थे। और वहाँ भक्तिविनोद इंस्टीट्यूट में उनको दाखिल किया गया, भक्तिविनोद इंस्टीट्यूट वहाँ ही लिखा पढ़ा किया। बात ये है कि स्कूल में जाए तो स्कूल में पढ़ाई करके आ गया, अब मठ में मठ का सेवा, और पढ़ाई का दरकार नहीं, जो स्कूल में पढ़ के आए वो सफिशियंट, और परीक्षा दे तो बस सुपर फास्ट। स्कूल में जो मास्टर जी बोले वो करके आए, वह मठ में कोई टाइम नहीं, मठ में सेवा करो, प्रसाद, किसी का कपड़ा धोए, किसी का भोजन का टाइम में पत्तल दे पानी, तो हरिनाम, प्रभुपाद जी ने हरिनाम दिए थे। विशेष करके गुरु वैष्णव का जो विचार है वो इतना ऊंचा, वो हम बताने जाए तो समझ बहुत मुश्किल, इतना ऊंचा। तो ये जो महाराज जी है, महाराज जी अंतिम में प्रभुपाद अप्रकट के बाद प्रभुपाद जी से हरिनाम प्राप्त हुए। प्रभुपाद जी अप्रकट होने के बाद बहुत सारी घटना हुआ ठाकुर जी का कृपा से, ये भी एक कृपा, ये भी एक किस्म का कृपा है। क्यों इसको कृपा क्यों बोला, पहले अगर विपरीत सिचुएशन ना हो तो भक्तों का परीक्षा नहीं होता। सिलो सिद्धांती महाराज जी ने बताया, वो हम छपा दिया था, पहले एक वास्तव शिष्यों का स्वरूप प्रकाशित हो जाता, जब गुरुदेव अप्रकट हो जाते तब उसका असली स्वरूप क्या है प्रकट हो जाता, उसका मतलब क्या है, गुरुचरण में क्यों क्यों आए थे, इसका पूरा पोल पट्टी खुल जाता, किस लिए आए सारे सब। अमन गोस्वामी महाराज जब प्रभुपाद चले गए तो कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ, तो इसके बाद परम पूज्यवाद केशव गोस्वामी महाराज, जादव गोस्वामी, बहुत सारे भक्त एक साथ रहे। और बाद में क्या हुआ, परम पूज्यवाद केशव गोस्वामी महाराज, महाराज जी को दीक्षा दिया, इसका भी बहुत कारण है।
सिर परम पूज्य केशव कुसुम महाराज को जोर जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया, झूठा एक इल्जाम देके महाराज जेल में हैं। और यहाँ सब गुरु भाई लोग हैं, सब हैं, इसको सारे रसोई करना पानी आना कैसे करे। तब की जमाने में नियम नहीं था, जब भी बामन गोस्वामी महाराज अपराकित है नित्य जगत का, फिर भी आचरण तो आचरण ही है दिखाने के लिए जो आचरण करता है। ये जो है इस समय क्या हुआ, महाराज जी जेल खाने में जाके प्रसाद लेके जाया करते थे और रोते थे, बोले महाराज हम सेवा कैसे करें, आप इधर हो वहां वैष्णवों का रसोई आदि हम कर नहीं सकता क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा कह रोते रोते पागल हो गया। महाराज बोला अभी दिखा दे दे, अभी जेल खाने में महाराज अंदर है बाहर है। अद्भुत ये जो जीवन चरित्र है, सुनोगे पागल हो जाओगे। दिखा दे दी और इसका जो जेन्युइन संस्कार जो कुछ भी है ये शिला जादावर को सही महाराज ने करा दिया। इसके बाद ऐसा सेवा की, ऐसा सेवा की मत पूछो। और उसके बाद वेदांत समिति का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठात भी हुआ बोसपारा लेन कलकत्ता में, कलकत्ता 3। एक किराए हुए मकान पे एक छोटे से घर, उसमें वेदांत समिति का प्रतिष्ठा हुआ। देखो चिंता करो, एक एक महापुरुष का जो प्रतिष्ठित वेदांत समिति आज पूरा पृथ्वी में झंडा उतर रहा है, कहाँ एक किराए वह मकान थे, एक छोटा सा घर उसमें वेदांत समिति को। वो वेदांत समिति अभी क्या हालत है, चारों ओर वेदांत समिति सारा पृथ्वी में। तो वैष्णव का ऐसा ही प्रभाव है। महाराज जी का सेवा ब्रह्मचर्य अवस्था में, पहले तो संतोष प्रभु नाम, इसके बाद सज्जन सेवक ब्रह्मचारी नाम हुआ। ऐसा सेवा मत पूछो। एक दफे बड़े बुखार है, फूल इतना बुखार है कि मत पूछो, खड़ा होके खड़ा होना मुश्किल है। वो बुखार को लेके किसी को बोला नहीं, पूरा रसोई आदि भोजन जो कुछ भी है सब वैष्णवों का सेवा आदि। अब विशेष करके जो बात है परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का हृदय को पूरा चोरी कर लिया था, पूरा केशव गोस्वामी महाराज का हृदय जो है श्रील बामन देव का उधर चला है पूरा। अनुगत तो ऐसा किया कि परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का हृदय संपूर्ण बामन गोस्वामी महाराज का पास बिक्री हो गया था। जो ही केशव गोस्वामी महाराज का सिद्धांत तो है, आचरण है, आदर्श है, वही श्रील बामन गोस्वामी महाराज का, एक बूंद भी इधर उधर नहीं। एक एक लेखनी को पढ़ो तो पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ऐसा सिद्धांत तो कैसे संभव है, मानो कि लगता है प्रभुपाद का सिद्धांत तो को प्रभुपाद का सिद्धांत तो श्रील परम केशव गोस्वामी महाराज सिद्धांत तो अभी नहीं की है, वही सिद्धांत तो बामन गोस्वामी महाराज का जीने की हर पल पल में वाणी सेवा विशेष करके प्रचार आदि, इतना निष्ठा, इतना प्रचार में इतना सहनशीलता। वैष्णवों का जितना 26 गुण है तमान बामन गोस्वामी महाराज का अंदर दिखाई पड़ा। आश्चर्य कमाल की गुण, कभी भी बामन गोस्वामी महाराज को कोई क्रोधित होते नहीं देखा कभी भी। इतना विपरीत परिस्थिति सब हालत में, एक दफे श्रील केशव गोस्वामी महाराज उसको परीक्षा करने के लिए बोला था गुरु भाई, गुरु भाई बोला, बोलने का साथ साथ पागल का मैं भी रोना शुरू कर दिया, फूट फूट के पागल हो गया। केशव गोस्वामी महाराज परीक्षा कर लिया, क्या ये ऐसा तो अभिमान नहीं है कि प्रभुपाद से हरिनाम प्राप्त हुआ तो प्रभुपाद को गुरु माना, ऐसे हमारा बहुत बहुत आदमी है, ऐसा घटना बहुत आदमी है, प्रभुपाद से हरिनाम प्राप्त हुआ, पोपा से हरिनाम प्राप्त हुआ और दीक्षा लिया ही नहीं, इच्छा करके लिया नहीं, क्यों, वो प्रभुपाद का दीक्षित प्रभुपाद का आश्रित है बोल के परिचय लेने के लिए, दीक्षा ही लिया नहीं पूरा जिंदगी, वो हरिनाम रह गया। बहुत ऐसा है, हम नाम बोलेंगे नहीं, नाम बोलना दरकार नहीं, दीक्षा लेना जरूरी है जो भी है महापुरुष का जो भी है।
श्रील बामन गोस्वामी महाराज को परीक्षा कर लिया बहुत बार श्रील परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज। और बाद में जगत में अगर प्रचारक बोल के किसी का नाम आता है तो बामन गोस्वामी महाराज का नाम लेनी चाहिए पहले। इतना बड़ा जब भी फॉरेन में नहीं गया महाराज, विदेश में नहीं गया महाराज, महाराज का सिद्धांत तो इतना परफेक्ट, इतना जो गुरुजी का विचार है वही विचार है, जो गुरुजी का विचार वही विचार है। जो भी है ऐसा करते करते महाराज जी का अंतिम समय जो है, हम बहुत सारे घटना हम तो बोलते चले तो महाराज जी का एक एक सिद्धांत तो मूल भागवत पात्र रुक जाए। महाराज जी का जब अंतिम समय आए, अकेला घर में महाराज गुरु जी का चरण में प्रार्थना करते थे, गुरु जी केलो केशव गोस्वामी महाराज को और कितना दिन रहना पड़े, क्योंकि बहुत सारे विरोध हुआ था महाराज जी का साथ, बहुत सारे महाराज इतना निष्किंचन। और महाराज जी का बात बोलने जाए तो हमारा ये समय काफी नहीं, बोलना शुरू कर देगा हम महीना पर। महाराज क्या था, बहुत सारे आदमी उनका खिलाफ गए, विरोधिता किया महाराज जी का, फिर भी महाराज उन लोगों को शत्रु नहीं माना कभी भी। हम नाम नहीं बताएंगे ना, हम तो सिद्धांत तो चर्चा करने बैठे। एक गुरु भाई आके बोले, महाराज थोड़ा रुपया का दरकार है, आपका बैंक में कितना रुपया है निकालो, जरूरत है। महाराज सेवक को बोले, महाराज सेवक को बोले, वो मेरा झोला जो है वो दिखा दे कितना है। देखा 2000 कितना रुपया क्या पड़ा हुआ है, वो बैंक में कितना है। बोले यही मेरा बैंक है, यही बैंक है, हाँ यही बैंक है, मैं कभी बैंक का अकाउंट नहीं खुला। तमाम ये पास सारे गौड़ी बहन तो समिति चल रहा है वो गुरु जी का के पास से, हम चलाने वाला कोल हैं। ये बोला आचार्य, अभी का जो है हाँ सब भगा दो गुरु भाई को, हम है सब है। इतना अत्याचार के बाद भी बामन गोस्वामी महाराज, एक सेवक अगर गुरु भाई को कुछ बोला, तू निकाल जा मेरा सामने से, मेरा गुरु भाई को क्यों ऐसा बोला, तेरा क्या अधिकार है, मेरा गुरु भाई को तेरा बोलने का क्या अधिकार है, तू क्यों बोला, बोलो वो ऐसा किया, करने दे, क्यों बोला तू, भाग तेरा सेवा लेंगे नहीं। ऐसा गुरु भाई पर प्रीति निष्ठा, बाप रे बाप, ऐसा कि किसी आचार्य से ये जो चीज है। महाराज जी कभी गरीब व्यक्ति, धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, किसी का तो भेद नहीं किया, गरीब से गरीब उसका घर में जाते थे। आजकल के जमाने में ये उदाहरण है, उदाहरण एग्जाम्पल रेयर है। एक गरीब मैया दीक्षित, उसका फैमिली पूरा दीक्षित, मन ही मन चिंता करते रह गए कि आविर्भाव तिथि है, आ नहीं पाया, बहुत गरीब, आए कैसे। और थोड़ा मोड़ा व्यवस्था किया, गांव का व्यवस्था करके गुरुजी का आविर्भाव तिथि में भोग दिया, रोते रह गए, गुरुजी हमारा तो कुछ बन नहीं पाया, यही हुआ, अब आप आओगे नहीं कभी, हमारा हम तो गरीब है, कभी तो आओगे नहीं, ऐसा बोला। और इधर शिष्य लोग बामन गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि है नेक्स्ट डे, कल बामन गोस्वामी महाराज सेवक को बोल के रखा, कल सुबह में उठ के तू और हम भागेंगे। बोले कहाँ भागोगे गुरु जी, बोले बोलेंगे नहीं अभी, चुपचाप रह जा, किसी को बोलना नहीं, तू और हम भागे। कहाँ जाओगे, बोले जहां जाए देखेंगे, देखे अब कुछ नहीं बोलेंगे। बोल के सेवक को लेके भाग गए, हावड़ा स्टेशन में ट्रेन पकड़ के फिर गए, और जाके गांव रास्ता जाते जाते इसी जो गरीब मैया हो बेला होलो दामोदर हो गा रहा है, देखे गुरु जी आ रहा है, वो क्यों पागल है, हम क्या सपना देख रहे हैं क्या। वो जो रो रही थी वो रामदेव महाराज बोले गुरु जी आ रहा है, हमको सपना देख रहा है, कभी संभव है, देखा सचमुच गुरु जी आ रहा है। ऐसा आके उसका पास सेवा लिया, गरीब से गरीब, ऐसा आचार्य जो आजकल के जमाने में रेयर है, ऑलमोस्ट रेयर नहीं है। जगन्नाथ झा है, जानते हो, चित्तरंजन में रहता है। एक देखे बामन जी महाराज ट्रेन से उतर के जल्दी आए, आके और जगन्नाथ जी जो है वो रेल में चाकरी करते थे, हमको बहुत प्यार करता है, बहुत
और बैठ के अभी रोटी पाने के लिए बैठा है, अब देखा गुरुजी आ गया, अरे सपना, भोजन तो पाया नहीं, भोजन पाने के चक्कर में तुरंत छोड़ दिया। उठ के एकदम जल्दी गुरुजी को पकड़ के लाए, बैठाया, सब कुछ किया। उसके बाद गुरुजी बोला हमारा भूख लगा है, जल्दी खा जल्दी। वो बच्चा का माँ भी करते थे परीक्षा करने के, हमारा भूख लगा, गुरुजी आप पूरा नहा लो उसके बाद भोजन तैयार, हमको भूख लगा अभी दे, अभी भूख लगा है हमको। बोले महाराज आप थोड़ा नहा लो, दो मिनट लगे। और नहाने गया, नहाने का चक्कर में दो चार मिनट दस मिनट लगे, उसके बाद इस अंदर में बन गया थोड़ा प्रसाद, प्रसाद पान के प्रसाद दे दिया गुरुजी, भूख लगा है। बोले इच्छा करके बोल रहे हैं, भूख लगे क्या, भूख लगे महाराज जी का क्या भूख लगे, वह भोजन में बैठा है, क्या लाया है, ये सब लाया, और एक चीज है, और एक चीज है ला ना, और कुछ नहीं बना गुरुजी, इतना जल्दी जल्दी बना, और एक चीज है जल्दी ला गुरुजी, और कुछ चीज बन नहीं पाया इतना जल्दी, और एक चीज है जल्दी ला, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। तो जगन्नाथ जी रोना शुरू कर दी, महाराज वो क्या आपको दिया जाए कभी, पाट की साग है, पाट साग जानते हो, नालिता जिसको बोलते हो, पाट साग वो अन्न जो बनाते हो, अन्नों का बाद जो मार है ना, अन्नों का मार, उसका मसला थोड़ा जीरा और मसला देके और मार देके वो जो पाट साग है उसको बनाया। जगन्नाथ जी रोना शुरू कर, वो क्या आपके दिया जाए, बना वो नहीं दे तो खाएगा नहीं, जा वही देना पड़ेगा। वो लेके आया, बोले यही सबसे बड़ा प्रसाद है, देख कितना सुंदर। तो गुरु वैष्णव खाने के लिए व्यस्त नहीं होते। एक व्यक्ति आया कलकत्ता में और एक गाड़ी का चाबी लेके महाराज जी के हाथ में दिया, महाराज देखते रहे कि क्या चीज है। बोला महाराज आपका लिए एक गाड़ी लाया, गाड़ी खरीदा। हमारा लिए? हाँ, ये इसका चाबी है। महाराज जी देखा गाड़ी का चाबी करके प्रसाद बना के उसका हाथ में दे दिया। बोला आपका पास रखो, आपका गाड़ी है, ये आपको दे दिया। ना हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम ले लिया तेरे को दे दिया, फिर गाड़ी का चक्कर में हम नहीं जाएंगे, ये लफड़ाबाजी हो जाएगा। और सेवक लोग बोले गुरुजी गाड़ी चलता है, हम भी गाड़ी चलेंगे, एक गाड़ी और खड़ेंगे, हम नहीं चलेंगे, हमारा ये दो पैर है, 11 नंबर है, इसमें चलेंगे, और दिक्कत हो तो कुछ गाड़ी ले लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम गाड़ी नहीं लेंगे। ऐसा सिद्धांत तो है, ऐसा, और जो सिद्धांत तो है मैंने एकदम चूल चूल सिद्धांत हो, महाराज जी का सिद्धांत देखे, कहीं भी किसी विषय पर कुछ झंझट हुआ, झगड़ा हुआ, महाराज जी उस विषय के ऊपर इतना विचार सुंदर करते थे कि उसके ऊपर कोई किसी का बोलने का भी नहीं है, बोलने का भी नहीं। किसी सभा में महाराज बैठा हुआ है, अगर 6 घंटा वो सभा चल रहा है, 6 घंटा अगर वो सभा चले, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा महाराज जैसे बैठा ऐसे ही बैठा हुआ, पैर को इधर करे पैर को उधर, कुछ नहीं, 4-5 घंटा वो सभा में वो ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए, कुछ नहीं है, कोई विकार नहीं है। सभा में सभापति का आसन में बैठे, बहुत बात देखे, बहुत आश्चर्य। कोई जो दूसरे संप्रदाय का कोई आया होगा, वह गौड़िया मठ का नाम बोलता है कि गौड़िया मठ का कोई सिद्धांत तो नहीं जानता, वो ऐसा हरिकथा बोला, वो हरिकथा बोलने से सिद्धांत तो विरोध हो गया, महाराज झगड़ा नहीं किया, महाराज चुपचाप सुनते रह गए। उसके बाद जो सिद्धांत तो विरोध किया है जिन लोगों ने, पकड़ो कि ये महाराज उल्टा बोला, वो महाराज उल्टा बोला, ये महाराज उल्टा बोला, ये ब्रह्मचारी उल्टा बोला, सिद्धांत उल्टो, तो महाराज जी क्या करते, हरि कथा आस्ते आस्ते बोलते बोलते जिसका जो सिद्धांतों का कमी है पूरा पूरा कर देते थे, और जिसका वो अपमान नहीं करते थे, ऐसे बोलते थे, वो बोला महाराज हम तो ये बोला, महाराज सिद्धांत को ठीक कर दिया, देखो किसी को कुछ है। आजकल क्या है, वो जो सभापति का आसन में बैठे उसका एक विशेष क्वालिटी होनी चाहिए, नॉट दैट ये उम्र में बहुत बड़ा है इसको ही बैठा दो, ऐसा नहीं। सभापति का आसन में आजकल नियम हो गया, जो उम्र है ज्यादा उसको बैठा दो सभापति, ऐसा नहीं। सभापति विचार करके ऐसा निर्णय होना चाहिए,
हर हालत में जिसका सिद्धांत वैशिष्ट आचरण चरित्र स्वभाव सारे अनोखा है, एक्सीलेंट। और वो जब बैठे उसका कोई पर्सनैलिटी नहीं है। आजकल क्या है, ये मेरा आदमी है, ए तुपो बोल बोल आधा घंटा बोल। एक बड़ा महाराज बैठा हुआ है जो सिद्धांतों बोले तो जगत का मंगल हो, उसको 10 मिनट दिया, हाँ घंटा लगा दिया। आजकल ऐसा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सिले संतोख सिंह महाराज देखा, संतोख सिंह महाराज सभापति के आसन में बैठा हुआ है और बोला हुआ है कोई भी आदमी 10 मिनट का ज्यादा ना ले, क्योंकि समय नहीं है, सारे एक एक करके बोल रहे हैं। और एक जो है क्या, एक महाराज बड़ा सुंदर सिद्धांत को प्रस्तुत करे, बहुत सुंदर सिद्धांत इस विषय पर। आप बोलते बोलते 10 मिनट हुआ तो संतोख सिंह महाराज का उधर, संतोख सिंह महाराज का उधर देखे, महाराज इशारा करे बोल बोल और बोल। क्यों जानते, ये जो देर है ये सभा के लिए सबसे बड़ा खोड़ाक है। महाराज समझे कि ये थोड़ा और ज्यादा बोले जिसमें बहुत सारे गुप्त सिद्धांत तो आएगा। ऐसा ये जो सभापति है, सभापति का एक्चुअली फंक्शन क्या है, इसका व्याख्या हमने किया था एक जगह है। सभापति का एक्चुअल फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए चेयरमैन, चेयरमैन जो सभापति बनाया उसका फंक्शन क्या है, टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू द ऑडियंस। जितना सारे श्रोता है, श्रोता को तुम कितना ज्यादा मसला दे सकोगे, खुराक, ये सभापति का। सभापति ऐसा नहीं कि पुतली का माफी डंग 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 घंटा लगा दिया, पागल का माफी, ये नहीं। सभापति देखेंगे किसका अंदर में भजन का पावर है, कौन कैसा सिद्धांत तो बोल रहा है उसको थोड़ा बोलो, क्योंकि जगत का मंगल हो। आजकल ऐसा नहीं, जो भी है आम तो मजबूर हो गया बंद करने के लिए। महाराज जी का अंतिम समय में महाराज जी गंगा का किनारे, वहाँ कभी कभी हम जाते रहते हैं, और निमायती तो घाट, कभी भी प्रेस में काम में गया, प्रेस का लेट हो गया, रात हो गया, तो वहाँ जाके रेस्ट प्रेस लेते हैं, बहुत आनंद। महाराज जी के कमरे में ही रहते हैं, हमको हमारा सौभाग्य है ऐसा है कि सेवक जो है सब बोलते महाराज जी आप ये कमरे में, महाराज जी जिस कमरे में उसी कमरे में हमारा रहने का, जब भी जाओ। भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट, भक्ति विनोद ठाकुर का जो सानंद उसको देखो, उधर भी ऐसा, जब वृंदावन में रहते थे तो वृंदावन में जब भी जाते थे तो सेवक लोग बोलते आप इधर रुको, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटीर या पौपात का, ये बरंडा किसी को नहीं, बस ये दास का ऐसा सौभाग्य मिला। यहाँ तक कि पौपात का जो आसन है अविद्धहरण अट्ट मंदिर, यहाँ बैठ के हरिकथा चर्चा करने का ये दास का ही सुजोग मिला। हम जानते नहीं, किसी को लोग देते नहीं, ये हमारा सौभाग्य है। इतनी सी उम्र में हमारा ठाकुर जी की पास से बहुत सारे कुछ मिला है, जो भी है बहुत सारे कुछ चर्चा करने को है। महाराज जी का जिंदगी हम चर्चा करने बैठे तो पागल हो जाओगे, ये सब चीज सुनोगे। अभी जो है अष्टम स्कंद सौरव होने जा रहा है, और कैसे कैसे मोनु का वंशोधर आदि जो कुछ है ये सब चर्चा की पहले, और इसका बाद अभी जो आ रहा है हम थोड़ा अभी गजेंद्र मोक्षों के बारे में चर्चा करने जाए तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा चर्चा करने जाए तो समय नहीं मिलेगा, अंतिम में दसम स्कंद चर्चा नहीं हो पाएगा। तो इधर जो है बाद में हम सायंकालीन अधिवेशन में बताएंगे, जे ये जो मनु हैं, 14 मनु हैं, 14 मनु एक एक मनु 1 2 3 4 5 6 करते करते पूरा एक एक मनु का क्या क्या फंक्शन है, एक एक मनु का स्पेशलिटी क्या है, एक एक जो मनु बने, मनु भी एक नहीं है, एक एक अलग अलग मनु, साधदेव मनु, वैवत्सत मनु, रईवत मनु, बहुत सारे मनु हैं, तो चाक्षुष मनु, एक एक मन्नंतर, इसी का नाम पे मन्नंतर, मन्नंतर मनु अंतर, क्या नाम है, मनु अंतर इति मन्नंतर, ऐसा एक एक मन्नंतर में एक एक का फंक्शन है। और हर मनु का जो जो क्रियाक्रम है,
हर मनु का क्रियाक्रम अलग अलग तो स्पेशलिटी है, और हर मनु का मन्नंतर में, हर मन्नंतर में ठाकुर जी एक एक विशेष स्वरूप पकड़ कर ये एक एक मनु को विशेष कृपा करते, कभी बामन कभी अजित हैं कभी हरि, ऐसा करके कृपा करते थे। यहाँ जो हमारा गजेंद्र मुखन का प्रसंग आ रहा है, यहाँ आप देखोगे जे इसी मन्नंतर में हरि हरि रूप, हरि हरि रूप जो है ये रूप पकड़ के गजेंद्र को मोक्षण किया, उद्धार किया, गजेंद्र को उद्धार किया ये हरि, जो हरि रूप पकड़ कर। अभी बात ये एक प्रसंग इसमें जरूरी बोलना जरूरी है कि इंद्रद्युम्न राजा बोल के एक राजा है, बहुत पुराना सत्ययुग का बाद है। इंद्रद्युम्न राजा ने मलयाचल पर्वत में भजन करने के लिए चले गए, और महाराज भजन करते करते इतना उसका निष्ठा आया, बहुत सुंदर। और एक दिन अगस्त मुनि उनके पास गए शिष्यों के साथ पूरे तमाम, जाने का बाद और इंद्रद्युम्न महाराज ने उठ के खड़ा नहीं हुआ, स्वागत नहीं किया, बड़ा भारी अन्याय हुआ। जब कोई मौन व्रत करे, हमारा भी ये नियम है, गोवर्धन पुरी कमा करे वो सब मौन रहते, बात नहीं करते, और कोई विशेष वक्त हो तो हरि कथा थोड़ा दो चार परिक्रमा करते करते दो चार निकल गया, लेकिन ऐसा हम बात नहीं करते, नियम नहीं, जब से शुरू का वहां। लेकिन अगर बीच में कोई बड़ा वैष्णव मिल गया, जैसे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, भामन गोस्वामी, ऐसा तो हमारा मौन व्रत चूल्हे में जाए, मौनो वो तो मेरा चूल्हे में जाए, तुरंत पैर में पकड़ के बातचीत करना शुरू कर दी, ये नियम है, अगर ना करो तो सत्यानाश हो जाए, ये नियम है। अधिकारी वैष्णव मिले तो तुरंत बात करो, बात करना ही भक्ति, बात करना ही भक्ति, ये सब सुख को सिद्धांत तो है जो भी है। ये इंद्रद्युम्न राजा जो है, राजा तो अच्छा है लेकिन बुद्धि थोड़ा ये हुआ था, इतना बड़ा ऋषि आया है, तुरंत तुम्हारा भजन छोड़ के उठो, गुरु है उठ के दंडवत करो, पैर धुलाओ, और कुछ नहीं की, बैठ ही रहे। तो ऋषि बोले क्या बात है, हमने आया वो मौन पकड़ के रखा है। बोले तेरा बुद्धि हाथी का मापिक हो गया, तू हाथी हो जा, जा बोल के साफ दे दिया, तेरा बुद्धि खराब हो गया, उठ के खा, उठ के आना चाहिए ना, इतना बड़े बूढ़े कोई भी हो, बड़े बूढ़े आदमी जब जाए जब आए अनुगमन, किसी जगह विदेश है तो वो नहीं करेगा, वैष्णव आए तो आएगा नहीं, कोई आएगा नहीं, विदेश है, और विदेश असुर समाज, इसको बोला असुर समाज, आप भक्त तो समाज है, वहां वैष्णव आने जाने समाज तुरंत सब आएगा, इसी से समझ जाता वैष्णव लोग कहां असुर लोग रहता है सब। जो भी है इधर जो है अभी ऐसा हालत हो गया, ऐसा हालत हो गया कि देखो साफ दे दिया, और साफ होने का साथ वो सारे तमाम गड़बड़ी हो, इंद्रद्युम्न राजा पूरा हाथी बन गया। हाथी बन के क्या है, एक बड़ा सुंदर उद्यान में जंगल में बस हाथी, कितना सालों साल हो गया वो हाथी बन के उस जंगल में है, पता नहीं कि हम हाथी हाथी बन के हैं। वो हाथी का जो है वो जंगल जो है वो सुंदर कानन, बहुत सुंदर, वहां क्या क्या जंगल का क्या क्या फल फूल है, वो उद्यान वो जो जंगल है वो सुंदर वर्णन किया हुआ है। और क्या हुआ, एक दफे गजेंद्र जो है उसका बाल बच्चा बहुत पैदा हुआ, अब पत्नी भी बहुत है, पत्नी है, इतना सारे जंगली जानवर है ना, और सारे ये बच्चा खच्चा बहुत सारे हैं हाथी, और इन लोगों को लेकर ये जो हाथी हैं गजेंद्र हैं वो एक सरोवर, सुंदर सरोवर चारों ओर पहाड़ का एकदम टुक, पहाड़ का सुंदर शोभा, और बगीचे हैं बहुत सुंदर, बहुत सारे फल फूल चारों ओर, कई कमी नहीं है। ये शोभा देख के देवता लोग पागल हो जाए, इतना सुंदर शोभा है। इसी अवस्था गजेंद्र क्या गजेंद्र रोज क्या कभी कभी जाके वही जो सरोवर है सरोवर में नहाते थे, और बाल बच्चा को लेके पूरा नहाते थे और खुद भी नहाते थे। एक दफे नहाने गया तो उसका पैर पकड़ लिया किसी ग्राहों ने, कुमीर ने पकड़ लिया जोर से पकड़ने, तो बोले क्या हुआ, अरे
बोले पैर को छुड़ाने गया तो छोड़ा नहीं जाए, जोर जबरदस्ती पकड़ लिया तो जितना सारे जो बाल बच्चा है सारे निकल गया सरोवर से। सरोवर से जाने के बाद वो देखा हमारा पिताजी गजेंद्र जी वो आ नहीं पाता, वो आना चाहता है कि पैर पकड़ के रखा है आ नहीं सकता। तो सारे तमाम जो है जो उसका पत्नियां और सारे ये बच्चा लोग जो है हाथी हाथी जो हाथी का संतान जो है हाथी सारे पकड़ कर एक एक के साथ दूसरे का सूंड जो है ना टंग लॉकिंग किया। जैसे वो गजेंद्र है गजेंद्र का सूंड उसको तो पैर पकड़ा, इसका सूंड जो है इसका साथ हस्तिनी उसका पत्नी जो है पकड़ा, इसका साथ ये पकड़ा, ऐसे करके कैसे एकदम खींच रहा है। लेकिन खींचा जाए तो ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता, ऐसा हालत हो गया तो ये पानी के अंदर में रह गया। बहुत कष्ट हुआ, वो पैर को ऐसा जोर जबरदस्ती पकड़ के रखा है और दोनों में युद्ध शुरू हुआ, ये झटका दे वो भी झटका दे, दोनों में लड़ाई और ये भी खींच रहा है पानी के अंदर, वो बाहर जाने का कोशिश कर रहा है। ऐसा करते करते क्या हुआ, बहुत सालों साल समहा सहस्त्रम बेगमन बेगमन मही पतेहे स्वप्राणयस चित्रम अमंग सताम हमारा भले समहा सहस्त्रम व्यागमन सहस्र वर्ष चला गया ऐसा समा महीपते स्वप्राणयस चित्रम अमंग सताम रहा। देवता लोग चौकित हो गए, क्या हो रहा है, ये पकड़ के रखा है। निज बोलचे निजुज तो निजुज बोलचे निजुद निजुद्ध तो रेबो मीवेन्द्र नक्रयोर विकर सतोर अंतर 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 तोर हाँ, बहिर्मिथ निजुद्ध तो रेबो मीवेन्द्र नक्रयोर विकर सतो विकर सतोर विकर सतोर अंतर अंतर हाँ, बहिर्मिथ हो, कभी इधर खींचे कभी इधर खींचे। ऐसा करते करते बहुत समय चला गया और मले विकृष मानस जले अवसीदतो विपर्यय अभूत स्वकलम जलौकसः इत्थम जगेन्द्र इत्थम गजेन्द्र स जद आप संकटम प्राणस्व देही विवोस जदृच्छया। मले जल का अंदर में जलचर प्राणी का शक्ति ज्यादा होता है और स्थलचर प्राणी स्थल में उसका शक्ति ज्यादा होता है, अब क्या किया जाए। हाँ विकिष्य मानस जले अब असीदतो विपर्यय अभूत स्वकलम जलो का जल का साथ जल में कुमेर का साथ ऐसा होते होते गजेंद्र मोक्षम अंतिम में पहले तो आशा किया कि हमारा जो हाथी परिवार है हमारा जो हाथी परिवार है हम तो हाथी हैं हमारा परिवार हमको रक्षा करे खींच के हमको बाहर ले जाए, लेकिन अंत में देखे हो ही नहीं रहा, कोई उद्धार नहीं कर पाया। जब बहुत दिन हो गया समहा सहस्त्रम व्यागमन मही पते स्वप्राणयस चित्रम अमंग सताम रहा, देवतागण सब अवाक हो गए आश्चर्य चकित हो गए। तो इस समय में पहले जो भजन किया था गजेंद्र बहुत दिन तक भजन किया था मलय पर्वत में, गजेंद्र का अचानक हृदय में वो भजन का स्फूर्ति हुआ। गजेंद्र सोचे कि कोई तो हमको रक्षा करने में समर्थ नहीं हुआ समर्थ नहीं हुए कभी, तो ऐसा करे जिसका भजन हम करते थे पहले इंद्रद्युम्न जन्म में इंद्रद्युम्न राजा बोल के जो हमारा जन्म था इस भजन का याद आ गया। आने का साथ ही क्या की वो मंत्रो वो भजन याद हो गया और साथ साथ क्या की गजेंद्रो एवं वैभोषितो विद्या समाधायो मनोवृद्धि जजाप परमं जप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम। क्या बोले एवं वैभोषितो विद्या समाधायो मनोवृद्धि जजाप परमं जप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम। पूर्व जन्म में जो चर्चा किया था प्रैक्टिस किया था अभ्यास किया था ये मंत्रों याद हो गया,
और जप करना शुरू कर दिया। एवं व्यवस्थित बुद्धिया समाधायो मन हिदि, जब कोई उद्धार नहीं कर सका गजेंद्रो चंचलता छोड़कर चिंता करना शुरू कर दिया, अब हमारा रक्षा करने वाला कौन है। बाद में याद हो गया को पहले हम इंद्रद्युम्न महाराज थे, अब हमारा ऐसा भजन करते थे, करते करते हरि ठाकुर जी को शरण किया। जब ठाकुर जी को शरण किया गजेंद्रो महाराज, तब क्या हुआ, हर वक्त ठाकुर जी ऐसा ही करते हैं, जब भी कोई ठाकुर जी को शरण में लाए तो ठाकुर जी तुरंत भागे चले आए। कोई अगर शरण में जाए ठाकुर जी का वास्तव शरण में, तो ठाकुर जी तुरंत उसका शरण में आने वाला आदमी को रक्षा करते कि ये प्रतिज्ञा है, ये तत् मम व्रतम, ये मेरा व्रत है, मेरा शरण में आने वाला कोई भी है उसको हम रक्षा करें। तो गजेंद्र जो है, ये गजेंद्र महाराज, ये अभी मंत्र याद हो गया, मंत्र शुरू कर दिया जब करना। और ये जो कुम्हीर है, ये जो कुम्हीर है जो पकड़ के रखा है जल पानी के अंदर, वो कौन है इसका बारे में शास्त्र में पुराण में, जी ये देवल ऋषि को हुहू नामक एक गंधर्व है, हुहू नाम का एक गंधर्व, देवल ऋषि पानी के अंदर गया नहाने के लिए, और नदी में नहाते नहाते जब ध्यान किया और वो जाके मजा करके उसको पैर पकड़ के खींचा, इतना बड़ा ऋषि है उसका साथ मजाक किया और पैर खींचा, ऋषि बोले कौन खींच रहा है, और देखा तो दूर में जगह हा हा करके हंसी शुरू कर, बेटा तू बेटा कुमीर का माफी है तेरा बुद्धि, तो कुमीर हो जा बेटा, सांप दे दिया, ऋषि का चरण खींच रहा है, कैसा दिमाग खराब हो गया देखो, ऋषि का चरण खींच रहा है, ऋषि बोले कौन खींचे भाई, देखे ऐसा है हंस रहा है, बोले जा तेरा बुद्धि खराब हो गया, तो कुमीर बन जा, कुमीर हो गया और रोना शुरू कर दिया, तब रोना शुरू कर दिया, बोले जा उद्धार हो जाएगा तेरा, जब देखे तेरे को गजेंद्र को तू पकड़े और उसको भक्त है ठाकुर जी का, वो रक्षा करने के लिए जब ठाकुर जी आए तेरे को भी उद्धार कर दिया, हो गया ऐसा करके हो गया। तो ये है आपका ये जो कुम्हीर है वो है हु गंधर्व, अभी कुम्हीर बन के पानी के अंदर में है, और गजेंद्र जो है उसका तो कहानी बता दिया, वो है इंद्रद्युम्न महाराज। अभी गजेंद्र जो है वो जंगल में कोई शेर भी हो बाघ भी हो, ऐसा जंगल का नियम है, शेर को हर व्यक्ति डरता है, हाथी भी डरता है, ऐसा नियम है, जंगल का नियम ही है, जंगल का राजा ही है शेर, इसका ऊपर कोई नहीं है, हाथी भी डरता है, लेकिन यह उल्टा है, यहाँ एक गजेंद्र का एक आवाज दिया शेर भी डर जाता था, इतना प्रताप इतना पावर है अंदर लिखा हुआ है, ये जंगल का राजा जैसा था गजेंद्र, इससे नाम दिया गया गजेंद्र, गोजो तो है गोजो, इंद्रो क्यों दिया है गजेंद्र, इंद्रद्युम्न राजा था राजा राजेंद्र, अरे यहाँ हो गया गजेंद्र राजेंद्र गजेंद्र हो गया, अब राजेंद्र हो गया गजेंद्र, चलो ऐसा जो है मंत्र जब करते करते अभी वो ठाकुर जी का शरण लिया, ठाकुर जी एक आप छोड़ के कोई नहीं, हमारा कितना पोता पोती लड़का कोई हमको उद्धार नहीं कर सका, अब आप बचाओ, कितना पत्नी है सब खींचा कोई बाहर नहीं, जितना सारे हमारा परिवार है सारे बेकार है, हमको उद्धार नहीं कर सका, हाँ उद्धार जो कर सके वही तो ठाकुर जी है, और ठाकुर जी का शरण में गया। ओम नमो भगवते तस्मै जतो एत चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजायो परिशाया विधीमहि, क्या बोला, भले ओम नमो भगवते तस्मै यतो एत चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजायो परिशाया विधीमहि, गजेंद्र का दो एक सूत्रों का व्याख्या भी होनी चाहिए, वेदांतों का व्याख्या पूरा समझ में नहीं आया, किसको बुला रहा है, कुछ नाम नहीं है, बस कुछ नाम नहीं है, जैसे वेदांतों में कोई ठाकुर जी का नाम नहीं, बस खाली बोलते रहे ऐसा जो लक्षण है ऐसा जो लक्षण है ऐसा जो लक्षण है वो उसको हम बुला रहे हैं, ऐसा करके वेदांतों का
तो गजेंद्र जो है, गजेंद्र का स्तुति दो चार सुन लो, ध्यान से सुनने से भी मंगल हो जाएगा पूरा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परशाया विधीमहि जस्मिनिदं यतश्चेदं जेनेदं जयिदं सयम् जो अस्माद् परस्माद् च परस्ताद् प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्मिन्निदं यतश्चेदं जेनेदं जयिदं सयम् जो अस्माद् परस्माद् च परस्ताद् प्रपद्ये स्वयं भुवम् भले ओम नमो भगवते तस्मै यतो एतत् चिदात्मकम्। जिसके द्वारा ये चराचर विश्व का निर्माण, ये चिदात्मक जो है, गजेंद्र बोले देखो ठाकुर जी, भले गजेंद्र बोले ये चिदात्मक विश्व इसका जो निर्माण हुआ, जो प्रकृति पुरुष सही भगवान परम न सभी ठाकुर जी है, ओ परमेश्वर को हम ध्यान किए। ओम नमो भगवते तस्मै, कस्मै, तस्मै यतो, जिसके द्वारा एतत् चिदात्मकम्, चिदात्मक विश्व का आविर्भाव हो। अंदर में चिद भाव है, बाहर में दिखता है, गीता में सुंदर व्याख्या है, चिद भाव का कोई अभाव नहीं है। देखो तो ये सब और जो है ऐसा करके भले भले ये सब पुरुषाय आदि बीजाय, वो जो आदि बीज ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो जो आदि बीज, आदि बीज जो है ये परिशाय अभि धीमही, परिशायो पर ईशायो, परिशायो मतलब पर ईशायो, इसको परिशायो परिशाय अभिधीमही अभीष्ट पूर्ति के कारण, अभीष्टों के लिए हम धीमही हम ध्यान करना शुरू कर दिया धीमही। और जस्मिन इदम यतश्चेदम जेनेदम य इदम स्वयं जो अस्मात् परस्मात् च परस्त्वम् प्रपद्ये स्वयं भवम्। जिसके द्वारा जस्मिन इदम, जस्मिन इदम जिसके द्वारा ये जगत, आज जो स्वयं जगत का मूल विषय है, हैं बोले जस्मिन इदम जो स्वयं ही ऐसा बन के बैठा है, जिसके द्वारा अर्थात एक बात है, कारक कारक जो है बैकारम परो, उसमें कौन किसके द्वारा किस लिए कहां से क्यों जितना सारे हैं, इसका सारे ये उत्तर है। जस्मिन इदम ये जो इदम विश्वम जो है, जस्मिन इदम विश्वम, जस्मिन इदम यतोश्चेदम जिसके द्वारा, जेनेदम जिसके द्वारा प्रतिपालित होते रक्षा हो रहा है, जब सब कुछ जब इदम स्वयं, स्वयं ही ऐसा बन के हैं, कौन क्या किसके लिए किसके द्वारा कहां से, जितना सारा व्याकरण में जितना सारा क्वेश्चन पुट करोगे, किया ना व्याकरण में, नहीं किया, नहीं किया, उसमें जो है जो अस्मात् परस्मात् च है परस्वत प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ये जहां ते जिस जिस ठाकुर जी में विश्व अधिष्ठित है, जिससे ही उत्पन्न हुआ है, जिसका कष्टिक जिसके द्वारा सृष्ट हुआ है, जिन इस जिन जिन्होंने विश्व का स्वरूप ही है, ये स्थूल स्वरूप भगवान का स्थूल स्वरूप है, स्वरूप है, जो कार्य और कारण अलग नहीं है, कार्य कारण सब ठाकुर जी में ही है, एक ही अभिन्न कार्य, वही जो स्वतसिद्ध विभु है, वो विभु का शरण में, विभु वस्तु का शरण में हम जाए। विश्व जिसमें प्रतिष्ठित है, विश्व जहां से आया है, जिसके द्वारा प्रतिपालित हो रहा है, ये सब सब कुछ जो कुछ है, सब ये जो ठाकुर जी है, इसका शरण में मैं जाए, ऐसा करके
गजेंद्र जी ने स्तुति कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा स्तुति, हम दो चार स्तुति को बताए, सुंदर दो चार सुन लो, व्याख्या दो चार करेंगे हम। यस्वात्मनिदं निजमाय अर्पितं कचिद विभातं कौच तत्तिरोहितं अविद्वद्दृक्साक्षुभयं जदीक्षते सो आत्ममूल अवतु मांग परात्परः। कालेन पञ्चतमीतेषु कृत्स्नोस लोकेषु पालेषु च सर्वो हेतुषु तमहस्तदासीद गहनं गभीरं जस्तस्यो परे आभी विराजते विभु नाजस्व देवारिषयो पदं विदुर यन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नट्यस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्यानुक्रमणः समावतु दिदिक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयुः सुसाधवः चरन्ति अलोकव्रतम् अव्रणम् वने भूतात्मभूतः सुहृदः सौम्ये गतिः। ऐसा करे कालेनो पंचतमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वो हेतुषु तमहस्तद आसिद गहनम गभीरम जस्तस्यो परे अभिविराजते विभु। हाँ भले काल वसे, काल के द्वारा सारे जगत तो जाए, काल का गति में काल वसे समस्त लोग लोकपाल संपूर्ण विनाश प्राप्त हो जाए तो हो जाने का प्राप्त होने का पास इस समय अनंत गाढ़ो दुर्भेद अंधकार राशि विराजमान से ये अंधकार ये जो तामस अंधकार का बाहर अंतर में गुप्त रूप में जो विभू विराजमान है उसको हम दंडवत करे। उसके बाद बोले सुंदर बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, बोले न विद्यते यस्सो च जन्म कर्म वान नाम रूपे गुण दोष एव वा न विद्यते यस्सो च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोक पया संभवायो य समायया तानि अनुकाल मृच्छति तस्मै नमो परेशायो ब्रह्मण अनंत शक्तये अरूपायुरूपायो नमो आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपायो साक्षिने परमात्मने नमो घीरायो विदुरायो मनसश्चेतसामपि सत्येन प्रतिलभ्यानन सत्येन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मुराय गुणधर्मिने निर्विशेषाय सम्माय नमो ज्ञान घनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यां सर्वाध्यक्ष सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलायो मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियो गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असतच्छायाय वक्तायो सदा भासाय ते नमः नमो नमस्तखिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय नमो नमस्तखिल कारणाय निष्करणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमः अपवर्गाय परायणाय। ऐसा करके लंबा स्तुति किया। देखो नमस्तस्मै परिशायो ब्रह्मण अनंत शक्तये अरूपायो रूपायो नमः आश्चर्य कर्मणे हे प्रभु। और नाम नहीं लिया, किसका स्तुति कर रहे हो तुम, किसको चाहते हो, बोले नाम नहीं बताया। वेदांतों का एक सब ये चर्चा बहुत सुंदर, लेकिन समय
नहीं है, पूरा चुपचाप। किसको बुला रहे? देवता लोग आ गया। अरे देवता लोग, ब्रह्मा शंकर आ गया, देवता सारे देवता, ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण, और सोच में रह गया महाराज किसको बुला रहे, नाम तो नहीं ले रहा। अगर हमको बुला रहे तो हम जाए उद्धार करने के लिए। ब्रह्मा सोचे, ब्रह्मा बोलता हमारा नाम नहीं लिया, हम क्यों जाए, हमारा नाम लेके पुकार तब ना जाए, नाम लेके पुकारा नहीं। शंकर बोले हमारा नाम तो ऐसा तो लगता है हमको नहीं, तो नाम नहीं लिया कैसे, छोड़ो देखा जाए किसको पुकारते हैं। ऐसा करके चुपचाप रहे, ऊपर में खड़ा हुआ है सारे देवता लोग अरे, और देखते रहेंगे कि कौन किसको बुला रहे, हमको बुलाए तो हम जाएं। तो इधर बोले तस्मै नम परेशाय परो ईशायो, वो परो ईश्वर है, वो परो ईशा परेशायो, वो परो ईशो जो है उसको हम दंडवत करते हैं, ब्राह्मण अनंत शक्त है। और उपाय और रूपाय, जिसका कोई रूप नहीं है, अव्यक्त बनकर ब्रह्म रूपी रहता है ना अव्यक्त, और अरूपायो जिसका कोई, अरूपाय मतलब भगवान का, इसका मानी है मायावादी लोग उल्टा व्याख्या करें, अरूपाय मतलब, अरूपाय मतलब ये प्राकृत रूप नहीं है, अरूपाय मतलब प्राकृत रूप नहीं है, प्राकृत रूप नहीं है, अरूपाय का मतलब और कर सकता है, अप्राकृत रूपाय, रूप का अभाव, और यदि उल्ट दूसरा व्याख्या कर दो उसका नाम हो गया अप्राकृत रूपाय, तो और उपाय ओ किसका द्वारा ओ, और रू रूपाय मैंने उरु रूपाय, जिसका कोई रूप नहीं है निराकार बन के, जिसका उरु रूपाय इतना रूप पकड़ के है, सब जितना सारे सब ठाकुर जी का है, ठाकुर जी सब बन के बैठे हैं, वो ब्रह्म वस्तु जो है चीत आत्मा, एक एक रूप और रूप और एक एक टाइटल, एक एक रूप एक एक टाइटल लेके बैठा हुआ है, सारे सब ठाकुर जी का, और उपायो उरु रूपायो, ऐसा करके धन्यवाद किए। आ नमो आत्मपदीपायो, आमा हम जो जिंदा है इसका क्या कोई वैल्यू है, अगर आत्मपदी परमात्मा ना रहे तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। इसे नमो आत्म, नमो नमो आत्मपदीपायो, नमो इधर न, इधर विसर्ग को नहीं दिया, नमः नहीं, नमो आत्मपदीपायो, कारण क्या है, बहुत कारण, व्याकरण का कारण है इसमें। और ब्रह्म वस्तु एक्चुअली क्लीब लिंगो, जो व्याकरण संस्कृत विकरण पढ़ो उसमें ब्रह्म का क्लीब लिंगो आता है, आश्चर्य चीज। और जो है नमो आत्मपदीपायो साक्षिणी, आत्मपदीपायो प्रदीप, किसको आत्मपदीपायो साक्षी ने, परमात्मा ने, है ऐसा करके सब स्तुति किया। अब आप बोले नमो शांतायो घोड़ायो, अरे बाबा, अब बोले शांतायो बोला है, अब बोले घोड़ायो, क्या बात है, एक तो है शांत ठाकुर जी का, मां भी शांत कोई नहीं है, शांतायो कोई काम न बसाना ठाकुर जी का थोड़ी है, पूरा आत्माराम ठाकुर जी, इसलिए शांत हो, नमो शांतायो। इसके बाद नेक्स्ट बोले घोड़ायो, घोर किसके लिए, उग्र एव अनुग्रह एव अयम सवक्ता नाम निकसरी, नृसिंहदेव बोल दे हैं, अब अनुग्रह है किसका लिए, शरणागत वत्सल, हा नहीं तो देखने में उग्र ठाकुर जी ऐसा ही, कभी कभी आप ऐसा है नमः शांतायो, आप जो शांत रूपिया उसके धन्यवाद, आप बोल रहे नमः घोरायो, आप जब घोर रूप, जब दुष्ट दमन करने के लिए घोर रूप पकड़ पकड़ लेते हो, घोर रूप ठाकुर जी जब दमन करते हो असुर लोगों, क्या नमः शांतायो घोरायो मूरायो मूढ़ाय मूढ़ायो गुणधर्मिणे निर्विशेषायो सम्मायो नमो ज्ञान घनायो च, और क्षेत्रोज्ञाय नमस्तुभ्याम सर्वाध्याक्ष साखिणे, क्षेत्रज्ञ रूपे, क्षेत्रज्ञ रूप, क्षेत्रज्ञ ये जो शरीर इसको क्षेत्र बोला जाता है, फील्ड जानते हो, ये जो शरीर है इसका नाम है फील्ड क्षेत्र, इसमें चास करो, किसका चास करे, भक्ति का चास करो, ये फील्ड है क्षेत्र है, क्षेत्र जैसा चास करोगे, जैसा बोगे ऐसा फसल आएगा, बोगे जहर का बीज आएगा अमृत का बीज कैसे आए, होगा नहीं,
ऐसे बोना बोने का टाइम में सावधान हो जा, गुरुजी भक्ति का बीज बो दिया तुमने उखाड़ कर फेंक दिया, गुरुजी तो भक्ति का बीज बो दिया, बुझिया ना, गुरुजी क्या करते, भक्ति का बीज बो दिया ना, इसका बारे में सायंकाल उद्वे से चर्चा करे। नित्यानंद बलराम क्या करता है, क्यों उसका नाम संकर्षण हुआ, किम कांधी में ऐसा हॉल रखते हैं, ये तो जो चासी लोग है उसका लिए है, बलराम जी महाराज ऐसा क्यों रखा है, इसके बारे में सायंकाल अधिवेशन में चर्चा करें। हम याद दिला देना, नहीं तो हमारा याद रहेगा ठाकुर जी का जैसे, ऐसा नहीं भूलते नहीं। तो ऐसा है, नमो नमस्त अखिल कारणायो निष्कारणायो अद्भुत कारणायो, ठीक ही तो बोला, ये तो गलत नहीं बोला, नमो नमस्त अखिल कारणाय ईश्वर परम किशोर सच्चिदानंद अनादिराधिकार, इसलिए बोला नमो नमस्ते अखिल कारणाय, सब कारण का मूल कारण आप है, अब निष्कारण आय अद्भुत कारण आय, निष्कारण जब कुछ नहीं है कोई तब तो कारण दिखाए, निष्कारण निष्कारण कोई कारण पैदा हो तब ना सृष्टि हो कुछ हो, तब तो कुछ नहीं है तो कारण भी नहीं है, और निष्कारण आय वो भी आप ही है। सर्व सर्वागम नाय महारणव आयो, सर्वागम जो है वेद आदि सब आया कहां से, वेद अपौरुष, वेद क्या है अपौरुष, ठाकुर जी का निर्माण नित्य जगत में है, वेद का भी निर्माण नहीं होता, किसी ने लिख दिया ऐसा नहीं, नित्य जगत में वेद है, सिर्फ वेद उदित होता है, वेद उदित होके कृपा करते, भागवत वेद सारे उदित होते हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। इसके बाद दंडवत करते हुए बोलते हैं, आपका चरण में दंडवत, हे ठाकुर जी मैंने जो इतना लंबा चढ़ा आपका स्तुति किया, ये नहीं सोचना कि मेरा हाथी शरीर है, मैं हाथी के लगा, ये मेरा जो हाथी शरीर है ये हाथी शरीर को आप बचा दो, ठाकुर जी ये मत सोचना कि मैं हाथी हूं और मुसीबत में गिरा हूं, हमारा हाथी शरीर को बचाने के लिए आपका पास प्रार्थना, हाथी शरीर से क्या होगा, तो फिर क्यों प्रार्थना कर रहे है, बोला हमारा आत्मा को रक्षा करो आप, हाथी जो नहीं वो तो जाए तो ठीक है, भले हमारा तो आत्मरक्षा के लिए, आत्मा का रक्षा के, आत्मा का पतन ना हो जाए, हमारा आत्मा का पतन हो गया था, ऋषि चरण में अपराध किया, पशु हो गया मैं, अब पशु से भी नीचे जाए, पततीर अधर अधर, जब अपराध करोगे पतन होते होते पशु, पशु से नीचे कीड़े मकोड़े, फिर उसका नीचे विष्ठा का कीड़ा सब बन जाओ, बस इसी गोविंद बोले माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षनाय मुक्ताय भूरी करुणाय नव अमलायो सांसेन सर्वतनु वृत मनसी आ प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते विहते नमस्ते। और बाद में प्रार्थना किया गजेंद्रो, ए हम ये हाथी शरीर का रक्षा के लिए आपको नहीं बोलता ठाकुर जी, हम ये प्रार्थना जो हमारा है, हमारा हाथी शरीर, हाथी शरीर क्या काम का है, अब मेरा आत्मा को रक्षा करो। एकांतिनजस्व न कांचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नः अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्नः। पहले जो लोग एकांत रूप में आपके चरण में आश्रय लिया है, ना तो एक कामिनी कांचन कुछ नहीं मांगता है ठाकुर जी, कुछ नहीं, एकांति न जसो न कांचनार्थम वांछन्ति जे वही भगवत प्रपन्या, ठाकुर जी का गुरु वैष्णव चरण में जाओ तो उसमें उधर कुछ मांगो मात, मांगो मात, एकांति न जसो न कांचनार्थम वांछन्ति जे वही भगवत प्रपन्या तद्भूतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र। वो कोई रुपया पैसा कामिनी कंचन कुछ मांगते नहीं, सिर्फ ठाकुर जी आपका कीर्तन करते करते क्या करते, उत्तद्भुतम तच्चरितम अति अद्भुत, उत्तद्भुतम अति अद्भुत आपका चरित्र जो है, लीलाएं जो है, उत्तद्भुतम तच्चरितम चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मंगल।
आनंद समुद्र में डूब जाते हैं, कुछ नहीं रहता है, हैं? क्या कहता है बोले कभी कपड़ा है कि नहीं वो भी पता नहीं, हसती हैं, रोदती रोदती रोती हैं, गायती उन्मत्तवद उन्मत्तवद लोकवाच्य हैं, हसती रोती रोदती रोदती रोती उन्मत्तवद नित्तती उन्मत्तवद लोकवाच्य, ऐसा है। ऐसा करके गजेंद्र जी बड़ा स्तुति स्तुति किए, करने के बाद ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न हो गए, इतना बड़ा प्रसन्न हो गए तो ठाकुर जी गुरुर भगवान को बोले, गुरुर जी को गुरु जी का ऊपर चढ़ के ठाकुर जी आ रहा है, और गुरु जी के ठाकुर जी ए जल्दी चलो। अरे महाराज गुरुर का गतिवेग लाइट का गतिवेग कैसा है, लाइट का गतिवेग पढ़ा नहीं है, हैं? सब भूल गया, 186,000 किलोमीटर हैं, ऐसा है। और जो साउंड का वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी, हाँ साउंड का वेलोसिटी शायद ना, ये जो बोला 186, हम भी तो भूल गया बचपन पढ़ा था, भूल गया, हाँ बहुत सारे। ये जो है अभी क्या है, लाइट तो ऑलमोस्ट कोई टाइम लेता ही नहीं, अब गौरूर भगवान जो है वो मन का गति चलता है, गौरूर भगवान का जो गति है मन का गति है, मन से भी ज्यादा, मन का गति है उससे भी ज्यादा। अब उसको ठाकुर जी बोले जल्दी चलो, देर हो रहा है, पूछो क्या है, मेरा भक्त का कष्ट हो रहा है, जल्दी चलो, मन का गति से भी ज्यादा है, ठाकुर जी जल्दी चलो, ऐसा है। अभी क्या है ये सब, बोले गजेंद्र बोले जिजी विषे ना हम मिहा मुहा किम अंतर बहिश्चा वृत ए भोजन्या, हमारा जो हाथी योनि प्राप्त हुआ बाहर अंदर दोनों तक दोनों भरपूर है अज्ञान। हाथ बोल रहे जिजी विषे ना हम मिहा मुहा किम अंतर बहिश्चा वृत ए भोजन्या, एव माने हाथी, हाथी योनि प्राप्त हुआ है हम, और बाहर में अंतर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा अज्ञान है, हमको आप बचाओ। आ इच्छामि कालेन न यसो विप्लवस्तस्यात्म लोकावरणस्य मोक्षम, क्या होगा ये सब चीज लेके, जो काल के द्वारा विनाश, काल के गति, काल के जो भयंकर गति है जिसको मिटा देते हैं, वो सब चीज हम देखे क्या करें, ये शरीर भी मर भी जाए कब भी मर भी जाए कोई ठिकाना नहीं। इसके बाद सूती करते करते जो आप ठाकुर जी को बुलाए, सब बुलाते बुलाते ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न हो गया, ठाकुर जी अभी आना शुरू कर दे, आने के लिए प्रस्तुत है, आप जाए ठाकुर जी आने के लिए प्रस्तुत हो गया। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंगाभिधाभिमान नैते यदपो श्रीर पूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलमरोयो हरिराविशा आविरासित, क्या लिखा है, नैते जद उपश्रीर पूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिल तत्ताखिल अमरयो आविरा हरिराविरासित एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विदुलिंगा विदाभिमान, ए ऐसा जब निर्विशेष किसी नाम नहीं लिया, शिव ठाकुर जी को पुकार रहे हैं जोर जबरस्ती, ठाकुर जी बचाओ मेरे को, ऐसा करके एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषण ब्रह्मादयो विविध लिंगाभिधाभिमान, अलग अलग लिंगों का अभिमान है, ब्रह्मा सोचते हम जगतपति, अलग अलग लिंग अभिमान है ना, शंकर जी है अलग, हम शंकर जी अलग अभिमान है, इंद्र का अलग अभिमान है, ये अभिमान के द्वारा ऐसे लिखा है विविध लिंगाभिधाभिमान है, बड़े विविध लिंगो विधाभिमान,
अलग अलग लिंगों का जो अभिमान है ये है, अलग अलग लिंगों का अभिमान है, लेकिन ये ब्रह्मा है, शंकर है, सर आपस में चिंता करते रह गए। नहीं थे जद उपस्थित पूर्णिखिला आत्मकत्वात तत्राखीला अमरो यो हरिरा विरासित। जब देवता लोग ऐसा चिंता करते रहेंगे, ऐसा जब चिंता करते रहेंगे, सोचते रह गए कि किसको बुला रहा है, किसको बुला रहा है, कोई तो नाम नहीं ले रहा है। ऐसा करते करते तब क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, ठाकुर जी क्या की, बलचैन त्वं तद्वद आर्तोमुपलभ्य जगन्निवास स्त्रत्यम निशम दिविजयी सहो संस्तुबद्धि छंदोमयेन गुरुरेन सन्मुह्यमान चक्रायुधो अभगाद आसू यत्रो गजेन्द्र। छंदोमयेन गुरुरेन सन्मुह्यमान चक्रायुधो अभ्यगाद आसु यतो गजेन्द्र। जब गुरुर जी भगवान ऐसे ऐसे करते चलते हैं ना, उड़ते हैं ना, गुरु जी का पंखे से छंदोमय वेद का ऋचा उच्चारण होता है। गुरु जी जब ऐसा ऐसा करते लेते ठाकुर जी को लेकर उड़ते हैं, गुरु जी का जो पंखा है, पंखा का हवा से वेद का सारे स्तोत्र जब ऋचा ध्वनित होता है। ऐसा करते करते ठाकुर जी क्या हुआ, बोले गुरुर भगवान का पीठ पर चढ़कर पूर्व छंदमयेन गुरुरेन सन्मुझमान चक्रायुध ऐसा चक्र लिया, चक्रों का ऐसा करके पकड़ ली, अकर के गुरुर का पीठे आ गया ठाकुर जी। आके है क्या की, सो अंत सरसी, सो अंत सरसी उर्वलेन गृहीत आर्त दृष्टा गुरुरात्मति हरिम ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सांभुज बलवरम गिरो माहो कृच्छात नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। जब जब ऐसा ठाकुर जी आ गया चक्र हाथ में और गुरु जी का पीठ से छलांग लगाया, गुरु जी लैंड किया, गुरु जी नीचे आया, नीचे आने का साथ ठाकुर जी को रहा नहीं गया, हमारा भक्तों का कष्ट हो रहा है, एकदम गुरु जी से छलांग लगा के नीचे आया चक्र हाथ में। जब आए ऐसे बाबा तब की हुआ, बोले तब क्या होगा, बोलचे सो अंत सुरसी और बोले न गृही तो आर तो दृष्टा है गुरुरात्म गुरुर आत्मति हरिम ख उपात चक्रम चक्र को छोड़ दिया। आर उत्क्षिप आर जब ये गजेंद्र महाराज देखे जे ठाकुर जी जिसको हम इतना समय तक बुलाया प्रार्थना किया पूर्व जन्म में भजन भी किया था, वो ठाकुर जी स्वयं आ गया। और ठाकुर जी जब आ ही गया तो मैं किसे मैं सत्कार कैसे करूं, क्योंकि मेरा तो पैर जो है बंधा हुआ है, कुम्हीर मेरे को पकड़ के रखा है, अब जाके ठाकुर जी का आरती उतारूं, थोड़ा पैर धुलाओ कैसे करे, कुछ है ही नहीं मेरा पास, क्या करे, ठाकुर जी को कैसे हम स्वागत करें। ऐसा चिंता करते करते अचानक एक कमल जो है पद्म फूल मिला, पद्म फूल मिला, उस सूंड से पद्म फूल को उठाया और देखा ठाकुर जी आ रहा है ऊपर से गरुड़ से छलांग लगाए, और ऐसा करके पद्म फूल को उठा के ऐसा ठाकुर जी के चरण में फेंक दिया, फेंक के पुष्पांजलि दे दिया। बोल के क्या बोला, बोला बड़ा कष्ट से सांबुजलवरम गिरमाह कृच्छाद नारायण अखिल गुरु भगवान, हे नारायण है अखिल गुरु भगवान नमस्ते, बोल के पद्म फूल को फेंक दिया, भगवान का चरण में फेंक दिया। देव कम से कम तो पुष्पांजलि दिया, और ठाकुर जी का कृपा से एक पद्म भी मिल गया, हाँ पद्म फूल लेके पुष्पांजलि दे दिया, हाँ देखो क्या है, त्वं विक्ख पीरितम अजो सहसाव तिरजो स ग्राह मासु सरसह कृपोज्यहार ग्राहद विपाटित मुखादरीन गजेन्द्रम संपश्यताम हरिम
ममुच मुम बोल जैन हरिम है अमुमोचद उच्छयाणम। अब गजेंद्र को हाथ गजेंद्र को जो है एज खींच के पानी से निकाला। गजेंद्र का साथ का वो जो बदमाश है वो जो ग्राह है वो भी निकाला है और चक्र देखे ग्राह का जो गला है वो पूरा एकदम काट दिया, काट के गजेंद्र को मुक्ति कर दिया। मुक्ति करके गजेंद्र को क्या किया ग्रहाद ग्रहाद विपाटी तो मुखादरी न गजेंद्रम संग पश्यताम। देखते देखते सब देवता लोग देख रहे बाप रे बाप हरि आ गया। हा उसको पानी के अंदर से ऐसे खींचा, खींचने से वो कुमिर भी ऊपर आ गया और चक्र देके उसका गोला काट के गला गजेंद्र को मोक्ष कर दिया। बोलो गजेंद्र महाराज की जय, बोले हरि भगवान की जय। अभी यहां क्वेश्चन आता है सिद्धांतों का बात है, जहां लिखा हुआ है कि हजारों साल तक ऐसा पानी के अंदर में लड़ाई हुआ, वो पानी का जो तालाब है सरोवर है उसमें हजारों साल तक लड़ाई हुआ, ये भी लड़ते रहे ये भी लड़ते रहे, गजेंद्र भी कम नहीं है, हाथी और ग्रह भी कम नहीं है। इतना दिन तक लड़ाई हुआ, पानी जो है पानी तोलपार हो गया, तोलपार हो गया पानी, तो 1000 साल से लड़ाई चल रहा है, पानी की क्या अवस्था है, पूरा तोलपार हो गया। उसमें महाराज गजेंद्र जो पुष्पांजलि दिया, ये जो कमल कहां से आया, ये सिद्धांत तो है। यहां जो बोला जे गजेंद्र कोमल मिला है, कमल मिलना संभव नहीं, जहां 1000 साल इतना लड़ाई हुआ पानी तो तोल पड़ होगा, वहां कोमल कहां खिलेगा, संभव नहीं, असंभव विषय है। लेकिन इधर लिखा हुआ है कि देखो ए बहुत हृदय लेके गजेंद्र ने क्या क्या, मैं ये जो उत्खिप्पो स्वाम्बु स्वाम्बु यलवरम गिरमाह कृच्छात नारायण नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते बोल के कमल दिया था। अब ये क्वेश्चन आता है कमल कहां से आ गया महाराज, ये तो सिद्धांत ठीक नहीं, कमल कहां से आया, असंभव, 1000 साल लड़ाई हुआ। तो टीकाकारों ने सिद्धांत तो लिखा, देखो कमल आया इसलिए, कमल कैसे आया, भले जब गजेंद्र रो रहा था, गजेंद्र से इधर आंसू बह रहे, गजेंद्र का आंसू बह रहे और ठाकुर जी को इतना सुंदर स्तुति किए, हृदय से लगा कर ठाकुर जी हमारे हाथी जोनी के लिए आपको पुकारा नहीं, आपको आपका आपका पास मेरा ये हमारा पुकार अगर पहुंचा है तो कृपा करके हमको बचा लो हमारा हाथी जोनी से। ऐसा करके जो पुकार रहा था तो नारायण नारायण जो है लक्ष्मी देवी का बड़ा हृदय भरपूर हो गया, लक्ष्मी देवी को रोना आ गया, लक्ष्मी देवी का भी रोना आ गया। और लक्ष्मी देवी देखी कि ये गजेंद्र चाहता है कि हृदय से, लक्ष्मी देवी समझ में आए कि मेरा जो बच्चा है बेटा वो चाहता है कि नारायण जी को कुछ भेंट दे, पुष्पांजलि दे, अब कुछ है नहीं, गजेंद्र रो रहा है, तो लक्ष्मी देवी क्या क्या अपना हाथ से जो कमल है लीला कमल वो छोड़ दिया, दे बेटा इसको दे दे, ये लीला कमल दे दे ठाकुर जी के चरण में। लक्ष्मी देवी स्वयं दे दी ये पद्म को उठाकर दे दिया। लक्ष्मी देवी को रोना आ गया, भाई भाई ऐसा तो हालत बहुत बुरा है और बेचारा कुछ स्तुति करना चाहा और कुछ है ही नहीं, तो ऐसा करें लीला कमल को दे दिए, वो लीला कमल गजेंद्र मिला, गजेंद्र उठाकर ठाकुर जी के चरण में दे दिया, पुष्पांजलि हो गया, कितना सुंदर। अब ये गजेंद्र मोक्षण का जो विषय है वो हर रोज सुबह में उठकर स्मृति में लाना है, क्योंकि ठाकुर जी प्रतिज्ञा करके बोले हैं जो सुबह में उठकर मेरा ये चिंतन करता है मेरा ये विषय ददामी विमल विमल बुद्धि योग देते हैं अंतिम समय में, जो अंतिम समय में जो मेरा विषय सुबह में उठकर मेरा चिंतन करता है कि गजेंद्र मोक्षण का विषय, उसको मरने का टाइम में ददामी विमल बुद्धि योगम, हम उसको विमल बुद्धि युक्त दे देते हैं, हमारा स्थिति रहे ऐसा करके। तो गजेंद्र जो का जो स्थिति है
ये स्थिति बड़ा जरूरी है। गजेंद्र स्थिति के द्वारा तुम्हारा बुद्धि शुद्धि हो जाए। तो गजेंद्र का स्थिति वास्तव रूप से कब आए, गजेंद्र का स्थिति अनुभव में कब आए? गुरु कृपा बिना तो होता ही नहीं। गुरु कृपा बिना होता है क्या? जगत का आदमी बोलेगे, जगत का आदमी एक हाथी का चिंता करे, एक कुमिर का चिंता करे, वो हाथी है एक कुमिर तो गजेंद्र नहीं है। गजेंद्र का जो रियलाइजेशन, गजेंद्र किस स्थिति में है, गजेंद्र कौन है, ठाकुर जी किस अवस्था में उसको उद्धार किए, ये सब अनुभव में होता है। ऐसा नहीं कि एक जड़ जगत का आदमी है मछली मंस खाने मन महाराज बोला हम सुबह में उठकर गजेंद्र का चिंता करे, अब फिर भी थोड़ा काम होगा, ऐसा नहीं कि बेकार जाएगा, काम थोड़ा होगा। आभास जो है, आभास जो है स्थिति का आभास, ये भी परम मंगल दान देने वाले हैं। अब इधर जो है समय हो गया, अभी व्याख्या क्या करे, अभी तो समय हो गया। देखो जो है इधर अभी सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा करेंगे इस विषय पर, हर मनु का क्या क्या फंक्शन है, 14 मनु का किस मन्नंतर में सागर मंथन हुआ, किस मन्नंतर में ये तुम गजेंद्रो मोक्षन हुआ, और सागर मंथन किस लिए हुआ था। पहले आपको याद शायद है, आपका याद है जो इंद्रो ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया, ये सब विषय याद है आपका। अब इंद्रो का जो हालत है बहुत खराब है, सारे देवता लोग घूम रहे हैं। इसके बाद देवता लोग ठाकुर जी के शरण में गया, हमारा क्या करना चाहिए, ऐसा स्थिति है। उस बात कैसे सागर मंथन का जो प्रसंग है वो कैसे हुआ, होने के बाद क्या क्या सुविधा हुआ, उसके बाद अमृत भाजन, ये सब प्रसंग में सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा हो पाएगा। अभी तो समय हो गया, हो नहीं पाएगा। उसमें अजित उस मन्नंतरे सागर मंथन के समय अजित अजित का रूप पकड़ कर आए थे ठाकुर जी, बहुत सारे सुंदर। इसके बाद जो प्रसंग है सब प्रसंग सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा हो पाएगा, ठीक है। दन्ते निधाय तीनकं पदयोर्निपत्यो काकुशत एतदहं बुभ्रमि हे साधवो सकलमेव विहाय दुरा चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम वांछाकल्पदुर्वस्य के पासिंद व्यवच्छपति तानं पापन विभूषण व्यो नमो।